अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हम बना रहे हैं KFC स्टाइल चिकन। सबसे पहले एक बर्तन लीजिए, उसमें 2 चम्मच विनेगर डालिए। अब हमने ये जो चिकन लिया है 1 kg, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हमने थोड़ी सी ये बोटियाँ ली हैं, हम ये अलग स्टाइल में बनाएंगे। ये भी हम इसमें डिप कर देंगे। अब हम इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे। अब हमने इसे पानी में से निकाल लिया। अब हम इसमें कट लगाएंगे। चिकन में हमें गहरे गहरे कट लगाए हैं। कट हमें अच्छी तरीके से लगाना है कि हमारा जो हम इसमें कोटिंग करें वो अच्छी तरीके से अंदर तक लग जाए, जिससे इसके अंदर फ्लेवर आए। ये देखिए, इतने गहरे कट होने चाहिए। जो हमने बोटियाँ अलग से ली हैं, ये हम अलग स्टाइल से बनाएंगे। इसका भी हम इसमें आपको मेंशन कराएंगे कि हमें क्या क्या लेना है उसके लिए। सबसे पहले लहसुन अदरक 1 चम्मच, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच काली मिर्च, 1/2 चम्मच पीली मिर्च, 1 चम्मच चाट मसाला, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए फूड कलर, देगी मिर्च और 1 नींबू का रस 1 चम्मच, पूरा 1 नींबू भी ले सकते हैं। अब हमने इसमें 1 कटोरी दही ली है भर के। अब हमने ये जो चिकन, अब इसको अच्छी तरीके से डीपली अंदर हर कट के अंदर हमें इसमें मसाला लगाना है, ये जो हमने बनाया है। और हमने जो बोटियाँ आपको बताई थी, उन बोटियों में भी अच्छी तरीके से मसाला लगा लीजिए। आप इसे ओवरनाइट लगाना चाहें तो ओवरनाइट लगा के फ्रिज में रख दीजिए। अब हम मैदा ले लेंगे। 1.5 कप हमने मैदा लिया है, मतलब ये समझिए आप 2 कप भर के मैदा ले लीजिए। इसमें हम मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा ऑरिगेनो डालेंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब हमने ये जो पीस मैरिनेट किए थे वो हम इसमें अच्छी तरीके से कोटिंग करेंगे दबा दबा के। ये देखिए, अच्छी तरीके से जो हमने मैदा लिया है और कॉर्नफ्लावर, हमने इसमें 1.5 कप मैदा लिया है, 1 कप कॉर्नफ्लावर लिया है। अब हम इसे पानी में डिप कर देंगे। इसको हमने सेकंड कोटिंग करी है ये। अब हम इसको डिप करेंगे। अब हम इसमें इसे हम पानी में डिप कर रहे हैं और हम किसी और उसमें नहीं डिप कर रहे हैं। पानी में डिप करने से ज़्यादा अच्छा रहता है ये हमारा क्रिस्प जो होता है ना, क्रिस्पी जो है, बहुत अच्छा बनता है पानी में डिप करने से। ये अब हम दोबारा फिर करेंगे और इसको अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। और हमें जितना भी एक्स्ट्रा बैटनेस के ऊपर मैदा है उसको हम झाड़ लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में, अब हमने ये जो दूसरी बोटियाँ ली थी इसको हम कोट करेंगे ब्रेड क्रम के अंदर अच्छी तरीके से। ब्रेड क्रम में हमने थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला है और नमक डाला है और हम दबाते हुए अच्छी तरीके से इसको बहुत अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम इस पर लगा लेंगे। बहुत ही मज़े का बना था ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। पर दबाना आप अच्छी तरीके से दबा दबा के लगा लीजिए। अब हम ये डालते हैं अपने तेल के अंदर हल्की आंच पे। इसको 2 मिनट के लिए छेड़िए नहीं, बिल्कुल ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। फिर दूसरी तरफ से इसको टर्न कीजिए, उसको भी ऐसे ही 2 मिनट छोड़ दीजिए। बिल्कुल हल्की आंच में इसको सेकिए कि अंदर तक से इसकी कोटिंग सिक जाए। फ्लेम हमें हल्का रखना है। अब हमने ये जो दूसरे पीस तैयार किए थे ब्रेड क्रम वाले, इनको भी बिल्कुल हल्की आंच पे हमें सेकना है। हमें कम से कम 10 मिनट लगेंगे इन्हें सेकने में, पर सेकना हमें बिल्कुल मीडियम पे है। साथ में हम एक डिप बना लेंगे। डिप बनाने के लिए हमें चाहिए, आप जो भी आपको पसंद आए वो भी सॉस ले सकते हैं आप इसके खाने के लिए। ये देखिए, अंदर तक से हमारा पूरा
सीख चुका है। ये देखिए बहुत ही मज़े का बना था, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। ये देखिए ये हमारा ब्रेड क्रम वाला है, आप इसे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस ये इतना ही सॉफ्ट बनेगा, आप जो है इसको विनीगर में डिप करके ज़रूर रखिए अपने चिकन को। हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।